हेलो जी, कैसे हो सारे? दिस इज लव बब्बर एंड वेलकम टू द चैनल कोड हेल्प। हम पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 110 पर, और आज हम डायनामिक प्रोग्रामिंग सीरीज के अंदर, डीपी सीरीज के अंदर 2DDP का कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। जब भी 2DDP की बात होती है तो सबसे पहला एग्जांपल जो मुझे मेरे कॉलेज में पढ़ाया गया था और मुझे सबसे आसान भी लगा समझने में, वो था नैपसैक प्रॉब्लम। बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है और इसी पैटर्न्स पर और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स बेस्ड हैं, जैसे कि टारगेट सम एक क्वेश्चन है, एक सबसेट सम क्वेश्चन है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न के द्वारा सॉल्व किए जा सकते हैं। तो फटाफट इस क्वेश्चन को समझते हैं और इसको सोचते हैं कैसे सॉल्व करना है, समझेंगे कि 2DDP कैसे पता लगाएंगे कि हाँ ये क्वेश्चन 2DDP का है। अगर मैंने रिकर्सिव सॉल्यूशन लिख दिया, कैसे उसको मेमोराइजेशन लगा के एक डायनामिक प्रोग्रामिंग के सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है, कैसे मैं उसको टैबुलेशन मेथड से सॉल्व कर सकता हूँ, और अगर स्पेस ऑप्टिमाइजेशन पॉसिबल है, जो कि डेफिनेटली पॉसिबल है इस केस के अंदर, तो वो कैसे करना है, राइट? बिल्कुल बेसिक से आएंगे और सॉल्व कर देंगे, ठीक है, समझते हैं। तो क्वेश्चन कहता है, अ थीफ इज रॉबिंग अ स्टोर एंड कैन कैरी अ मैक्सिमल वेट ऑफ W इनटू हिज नैपसैक, ठीक है। तो उसके पास एक बैग मान लो, नैपसैक एक बैग मान लो, जिसके अंदर वो मैक्सिमम W वेट कैरी कर सकता है। देयर आर N आइटम्स, टोटल N आइटम्स हैं, और हर आइटम का वेट है WI और वैल्यू है VI, ठीक है। तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि एक थीफ है, ठीक है, थीफ के पास एक नैपसैक है, ठीक है, और नैपसैक जो है वो कैन कैरी, ये कितना वेट कैरी कर सकता है भैया, ये कैरी कर सकता है W वेट, ओके। उसने क्या बोला, टोटल N आइटम्स हैं 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके N आइटम्स हैं, ठीक है। मैंने बोला हर आइटम का एक वेट है W1, एक वैल्यू है V1, W2 V2 W3 V3 W4 V4, ऐसे ही WN VN, हर किसी आइटम की एक वैल्यू है और एक वेट है, ठीक है। कंसिडरिंग द कंस्ट्रेंट ऑफ द मैक्सिमल वेट इनटू अ नैपसैक कैन कैरी, ठीक है। तो इसका लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन है कि भाई ये नैपसैक है इतना ही वेट कैरी कर सकता है। हमें क्या करना है, यू हैव टू फाइंड एंड रिटर्न द मैक्सिमम वैल्यू दैट अ थीफ कैन जनरेट बाय स्टीलिंग आइटम्स। तो थीफ को इस प्रकार चोरी करनी है कि जितना वो सामान चोरी करके लेके जा रहा है उसकी वैल्यू मैक्सिमम हो, ठीक है। तो दो चीजें मेरे पास, जो चीज़ें मैं चोरी करके लेके जाने वाला हूँ, मुझे मेक श्योर करना है कि वो इस नैपसैक के अंदर आ जाए, यानी उन सब का क्यूमुलेटिव वेट W से ज़्यादा ना हो। एंड सेकंड चीज़ कि मुझे इस प्रकार से चोरी करनी है कि जो मेरे टोटल वैल्यू निकल गया है वो मैक्सिमम वैल्यू हो। बात समझ में आती है? एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमने क्या कहा एग्जाम्पल के लिए, हमने कहा कि एक फटा सा टेस्ट केस उठाते हैं। टेस्ट केस कहता है कि मेरे पास चार आइटम्स हैं, ठीक है। उनका वेट क्या है, उनका वेट ये है जी, वेट इस प्रकार है, वेट है 1, 2, 4, 5, ठीक है। उनकी वैल्यू क्या है, वैल्यू इस प्रकार है जी, 5, 4, 8, 6। तो ये मेरी वैल्यू है और ये मेरा वेट है, ठीक है, ये बात समझ में आती है। और मेरा नैपसैक की वैल्यू कितनी है, कितना वेट कैरी कर सकता है वो, W की वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू है फाइव, ठीक है। यहाँ पर लिखा ना 5, ये लिखा हुआ। तो इन्होंने बोला कि मेरे पास जो बैग है वो सिर्फ 5 kg वेट कैरी कर सकता है, और ये सारी की सारी आइटम्स जो है मेरे पास है, इनका वेट ये रहा और इनकी वैल्यू ये रही, ठीक है। पर मैं कैरी सिर्फ 5 kg कर सकता हूँ यार, ये बात समझ में आती है, ठीक है। चेक करते हैं भैया, लेट्स से मैंने क्या किया, 5 बनाना, तो सिर्फ मैंने इसको ले लिया। अगर मैं सिर्फ पाँच को लेता तो मेरी वैल्यू कितनी बनती, 6, ठीक है, वैल्यू 6 बनती है भैया। और कैसे बन सकता है, मैंने बोला आप ये 4 और ये 1 ले सकते थे, मैंने बोला बिल्कुल सही। तो मैंने 1 और 4 अगर लेता तो वैल्यू कितनी बनती, 8 और 5, यानी कि 8+5, तो वैल्यू कितनी बनती, वैल्यू बनती 13, ठीक है, इससे तो ज़्यादा है भैया। ये भी केस हो सकता है कि मैं सिर्फ 1 और 2 ले लूँ, मैंने बोला बिल्कुल हो सकता है, 1.2 ले लिया आपने, नैपसैक पूरा नहीं भरा, बट ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी बनती, 5 और 4, यानी 5+4, दैट इज़ वैल्यू कितनी बन गई, 9। तो ये 3 ऑप्शंस आपके पास थे, आपने कौन सा ऑप्शन लिया, आपने बोला भाई जिसमें मैक्सिमम वैल्यू आ रही है मैं वो ऑप्शन लूंगा, यानी कि 13 वाला। इन शॉर्ट आप 1 और 4 वाला आइटम उठा लेंगे, जिसका वेट 1 है, जिसका वेट 4 है, ये वाली आइटम उठाएंगे, क्योंकि इनकी वैल्यू सम करके मैक्सिमम आ रही है। 3 वैल्यूज बना पाए आप, 6, 13 और 9, मैक्सिमम कौन सी है, ये वाली है। तो आपका आंसर क्या गया, 13 आ गया, दैट्स व्हाई यहां पे सैंपल आउटपुट में 13 आ रहा है, ठीक है। थोड़ा बहुत समझ में आया। इस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय क्रायो। क्रायो इज द वर्ल्ड्स लीडिंग वर्क एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप अपने सॉफ्टवेयर स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं और साथ ही साथ टॉप डेप जॉब्स भी ग्रैब कर सकते हैं। अनलाइक यूजुअल कोर्सेज,
क्रायो में आप फुल स्टैक डेवलपमेंट या बैकएंड डेवलपमेंट सीखने वाले हैं, बट बाय बिल्डिंग इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट्स इन अ रियल डेवलपर एनवायरनमेंट। एट द एंड ऑफ देयर प्रोग्राम्स आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना चुके होंगे जिससे आपका रिज्यूमे और इफेक्टिव हो जाएगा और एक स्ट्रांग गेटअप प्रोफाइल भी बन जाएगी। आप फुल स्टैक डेवलपमेंट में या बैकएंड डेवलपमेंट क्या क्या टेक यूज करने वाले हैं वो सब भी आपको यहाँ पर विजिबल है, और साथ ही साथ आपको पर्सनलाइज्ड करियर असिस्टेंस भी मिलने वाली है ताकि आपकी ड्रीम जॉब की डबल श्योरिटी हो। आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं एक लिंक अटैच कर देता हूँ, उसको यूज़ करके आप मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट क्रायो प्रोग्राम्स पर ले सकते हैं और साथ ही साथ कुछ फ्री रिसोर्सेज को भी अनलॉक कर सकते हैं। तो फटाफट डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक को यूज़ करेंगे, एक प्लेसमेंट ग्रैब करेंगे और मुझे पार्टी देंगे। सो बुक योर फ्री ट्रायल नाउ। इन शॉर्ट दोबारा समझते हैं, एक थीफ है, थीफ के पास एक बैग है, उस बैग की कैपेसिटी है कि वो W एट मैक्स वेट कैरी कर सकता है। मेरे पास N नंबर ऑफ आइटम है, हर आइटम के पास दो एट्रीब्यूट है, पहला उसका वेट, दूसरा उसकी वैल्यू। मैं सिर्फ अपने बैग के अंदर टोटल W वेट कैरी कर सकता हूँ, टोटल W वेट, एट मैक्स W वेट कैरी कर सकता हूँ, ज्यादा नहीं कर सकता। आई हैव टू मेक श्योर कि मैं इस प्रकार से आइटम्स को चुराऊं, मैं इस प्रकार से आइटम्स को चुराऊं कि पहली चीज वो मेरे नैपसैक के अंदर आ जाए, W से एक्सीड ना करे, और सेकंड चीज जो वैल्यू टोटल निकल के आ रही है, जितनी भी आइटम चुराई है उन सबकी जो वैल्यू सम करके आ रही है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। जैसे इस केस में हमने देखा तीन तरीके से मेरा वैल्यू निकालने के, एक बार 6 आई, एक बार 39, एक बार 9 आई। मैक्सिमम कौन सी है, 13 है, तो मैंने बोला मुझे भैया ये वाले दो उठाने थे, यानी कि फर्स्ट और यानी कि थर्ड, ये दो आइटम मुझे उठानी थी, इससे मेरी वैल्यू मैक्सिमम आ रही है। थोड़ा बहुत समझ में आया, थोड़ा बहुत समझ में आया, मैंने कहा वेरी गुड, ठीक है। सॉल्व कैसे करना है, एक अप्रोच की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा कि बहुत सिंपल है, अप्रोच की बात कर रहा हूं। जो ब्रूट फोर्स मेरे दिमाग में आता है, बिल्कुल ऐसे मतलब क्वेश्चन पढ़ते ही आता है, वो ब्रूट फोर्स क्या है, वो ये है कि यार ये क्या है बेसिकली, मैं क्या कर रहा हूं, कॉम्बिनेशन तो ले रहा हूं मैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एन आइटम्स, कि किस किस आइटम को लूं, किस आइटम को ना लूं, राइट, बात समझ में आती है। यानी कि अगर मेरे पास मान लो एक प्रकार से एक 1, 2, 3, 4 का सेट पड़ा होता तो इसके सारे सबसेट अगर मुझे निकालने होते, एक सबसेट क्या निकलता 1, एक क्या निकलता 1.2, एक क्या निकलता 1.3, एक क्या निकलता 1.4, एक निकलता 2.3, एक निकलता 2.4, ऐसे ही बहुत सारे निकल जाते, राइट, बहुत सारे निकल जाते। सेम उसी प्रकार से क्या मैं इस क्वेश्चन कर सकता हूं कि एक बार मैं सोचूं कि एक बार मैंने सिर्फ फर्स्ट आइटम ली, एक बार मैंने फर्स्ट और सेकंड आइटम ले ली, एक बार मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड आइटम ले ली, एक बार मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आइटम ले ली, एक मैंने सिर्फ सेकंड आइटम ली, एक मैंने सिर्फ सेकंड और थर्ड ली, एक मैंने सिर्फ सेकंड और फिफ्थ ली, ऐसे करके सारे के सारे कॉम्बिनेशन अगर निकाल लूँ, ब्रूट फोर्स सारे के सारे कॉम्बिनेशन निकाल लूँ, हर कॉम्बिनेशन की वैल्यू निकाल लूँ और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो मैं रिटर्न कर दूँ, बात समझ में आती है। छोटे एग्जाम्पल समझाता हूँ, मैंने बोला लेट्स से मेरे पास सिर्फ तीन आइटम्स है, कौन कौन से आइटम है, एक ए है, एक बी है, एक सी है, तो कॉम्बिनेशन क्या क्या एग्जिस्ट कर सकते हैं। पहला कॉम्बिनेशन कि भैया सिर्फ ए ले लिया, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। सेकंड कॉम्बिनेशन भैया सिर्फ बी ले लिया, ठीक है। थर्ड कॉम्बिनेशन सिर्फ सी ले लिया, ठीक है। फोर्थ भैया ए के साथ बी ले लिया, मैंने बोला ठीक है। फिफ्थ भैया ए के साथ सी ले लिया, मैंने बोला ठीक है। उसका सिक्स्थ भैया मैंने बी के साथ सी ले लिया, ठीक है। फिर मैंने बोला सेवन्थ भैया मैंने तीनों ले लिए, ए कॉमा बी कॉमा सी, मैंने बोला ठीक है। एट्थ भैया मैंने कोई भी नहीं लिया। तो ये आठ कॉम्बिनेशन मेरे पास एग्जिस्ट करते हैं, इन आठ के अलावा कोई और कॉम्बिनेशन तो मुझे समझ में आता नहीं है और कुछ एग्जिस्ट करेगा नहीं, राइट। तो मैंने क्या कि इन सब की वैल्यू निकाल ली, इसकी वैल्यू इतनी है, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है, सबकी ऐसे वैल्यू निकाल ली और जिसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई, मैंने बोला यही आंसर है, ये मेरा ब्रूट फोर्स कहता है। ब्रूट फोर्स अगर मैं सोचो दिमाग ये कहता ना यार सारे के सारे कॉम्बिनेशन निकाल लो, सबकी वैल्यू निकाल के देख लो, जो उनसे मैक्सिमम होगा बता देना, राइट, बात समझ में आती है। बहुत अच्छे। तो ये जो हमने क्वेश्चन किया था जहाँ पे हम सारे के सारे सबसेट निकाल रहे थे, सारे के सारे सब सीक्वेंसेस प्रिंट करने की कोशिश कर रहे थे एक स्ट्रिंग के अंदर, तो हम कैसे करते थे वहाँ पे, हम बोला रिकर्शन लॉजिक लाते थे ना, इंक्लूड एक्सक्लूड इंक्लूजन एक्सक्लूजन, राइट। तो इस प्रकार लेट से मेरे पास तीन आइटम्स होती, ऐसे एक मेरे पास फर्स्ट आइटम है, एक मेरे पास सेकेंड आइटम है, एक मेरे पास थर्ड आइटम है, राइट। मान लो तीन आइटम मेरे पास होती तो मैं क्या करता, लेट से कि मेरा जो आई है, जो मेरा इंडेक्स है अभी यहाँ पर है, आई मेरा इंडेक्स अभी यहाँ पर है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ भैया, एक कॉल मेरी जाती है इंक्लूड की, मैंने बोला बिल्कुल ठीक है, और एक कॉल मिली जाती है एक्सक्लूड की, मैंने बोला बिल्कुल ठीक है। ये सेम चीज हमने की थी जब रिकर्जन में सब सीक्वेंसेस वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, ऐसे कुछ किया था हमने, राइट। तो वही सेम चीज दिमाग में आ रही है मेरे अभी कि मैं सारे सारे कॉम्बिनेशन निकालने के लिए क्या करूंगा, मैं हर एक एलिमेंट को या तो इंक्लूड करूंगा उस सोल्यूशन के अंदर या तो एक्सक्लूड करूंगा, राइट। तो स्टार्टिंग में जो मेरा सोल्यूशन है वो एम्प्टी है, राइट, स्टार्टिंग में वो एम्प्टी है और मेरे पास ये दो चॉइस है। जब मैं इसको आई वाले एलिमेंट को, जब मैं इस आई वाले एलिमेंट को इंक्लूड करता हूँ तो क्या होगा, तो ये तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड है, आई मेरा आगे बढ़ गया, यहाँ पे आ गया,
और मेरा आंसर के अंदर इस सॉल्यूशन के अंदर ये इंक्लूड हो गया, सॉल्यूशन के अंदर फर्स्ट आ गया, वेरी गुड। इसी प्रकार यहाँ पर एक और कॉल जा सकती है जो कहेगी इंक्लूड की कॉल, ठीक है। तो सेकंड के ऊपर मेरा आई है, तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, अब मेरा आई जो थर्ड के ऊपर चला गया, बहुत बढ़िया। और सॉल्यूशन के अंदर पहले से फर्स्ट पड़ा हुआ था और अब मैंने सेकंड भी रख दिया क्योंकि इंक्लूड करना है, वेरी गुड। इसी प्रकार एक और इंक्लूड की कॉल गई, तो ये क्या हुआ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आई जो है वो इस एरे से ही बाहर चला गया, राइट। और सॉल्यूशन के अंदर आके आ गया, फर्स्ट सेकंड पहले से पड़ा हुआ है यहाँ पे, और थर्ड को मैंने इंक्लूड करने के लिए बोला, थर्ड भी आ गया, राइट। तो यहाँ मेरी एक तरीके से बेस कंडीशन यूज होगी, कैसे पता लगा, क्योंकि मेरा आई जो है वो एरे से ही बाहर चला गया, आई जो है वो एरे से ही बाहर चला गया, तो मेरी बेस कंडीशन यूज हो गई। और जैसे ही मेरी बेस कंडीशन यूज होगी मैं क्या करूँगा, मैं वैल्यू अपडेट कर दूंगा मैक्स की, कि लेट्स से मैंने वैल्यू स्टार्टिंग में जो मैंने वैल्यू सेट कर रखा था, ऐसे कहते हैं मैक्स वैल्यू जो मैंने सेट कर रखा था स्टार्टिंग में, वो मैंने रखा हुआ था इंट मेन, स्टार्टिंग में इंट मेन था। और जैसे बेस केस रीच होगा, बेस केस के अंदर मैंने इसको अपडेट कर दिया, बेस केस के अंदर मैंने इसको अपडेट कर दिया, राइट। तो मैंने बोल दिया कि मैक्स वैल्यू इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ मैक्स वैल्यू कॉमा टोटल, जो आपकी यहाँ वैल्यू जनरेट हो रही है, राइट, ऐसे लिख दिया मैंने कुछ, ठीक है। तो इस प्रकार आपने इसको अपडेट कर दिया, आपके बेस केस के अंदर, फिर आप चले गए यहाँ से वापस रिटर्न करके। अब आपकी कॉल कौन सी जाएगी, एक्सक्लूड की कॉल जाएगी, एक्सक्लूड केस में आपने क्या बोला, मैं थ्री को एक्सक्लूड कर रहा हूँ, तो आपका आंसर क्या बना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आई जो है बाहर चला गया, और सॉल्यूशन में पहले से फर्स्ट और सेकंड तो पड़ा हुआ है, थर्ड को एक्सक्लूड कर दिया तो वो आएगा नहीं, तो आपका सॉल्यूशन सिर्फ इतना बना। तो आपने बोला फिर से बेस केस रीच हो गया, यहाँ पे आपने फिर से वैल्यू को यहाँ पे मैक्स वैल्यू को अपडेट कर दिया, राइट, मैक्स वैल्यू को आपने यहाँ पे अपडेट कर दिया, ये बात समझ में आती है। फिर मैं यहाँ से रिटर्न कर गया, फिर मैं यहाँ से वापस रिटर्न कर गया, ऐसी मेरी यहाँ पर एक्सक्लूड की कॉल गई। तो मैंने क्या बोला कि ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, आई जो है अब थ्री के ऊपर आ गया, ठीक है, और मैंने इसको एक्सक्लूड किया है, तो मेरा सोल्यूशन एज इट इज जहाँ पड़ा हुआ वो सेम आ जाएगा फर्स्ट, ऐसे इसके ऊपर इंक्लूड की कॉल जाएगी, फिर इसी के ऊपर एक्सक्लूड की कॉल जाएगी, ऐसे ये चलता रहेगा। तो ये बात हमें समझ में आती है, कि इस प्रकार कुछ होने वाला है यहाँ पे, हम इसको सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो थोड़ा बहुत लॉजिक यहाँ समझ में आ रहा है कि इस प्रकार से रिकर्सिव रिलेशन चलने वाला है। अब लेट से मुझे इसको कोड करना होता तो मैं किस प्रकार करता, चलो कोड करने की कोशिश करते हैं। मैंने लेट से यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ इंट सॉल्व, उसके अंदर मैंने क्या क्या पैरामीटर रख लिए, सेम जहाँ पड़ा हुआ है वही उठा के कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। वेट मैंने इसको बाय रेफरेंस पास कर दिया, वैल्यू को बाय रेफरेंस पास कर दिया, यहाँ पर मैंने एक इंडेक्स पास कर दिया। यहाँ मैंने मैक्स वेट को ऐसे दर्शा दिया, इसको मैंने दर्शा दिया एक डब्ल्यू के साथ, चलो ठीक है, आसानी होगी। तो मैंने बोला ये चार चीज़ें मेरे पास है। यहाँ पर जो इंडेक्स वेरिएबल ये वाला आ रहा है ये दर्शाता है आपका लास्ट इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली जो हमने यहाँ पर रिकर्सिव रिलेशन अभी देखा, रिकर्सिव कॉल जो हम देखिए, उसमें हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। अब जो कोड हम लिख रहे हैं उसमें हम एंड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लास्ट वाले एलिमेंट पे हूँ, दो चॉइस है, लूँ या ना लूँ, इस प्रकार चल रहे हैं। तो बेस केस लिखते हैं आप फटाफट, बेस केस अगर मैं राइट टू लेफ्ट की तरफ आ रहा हूँ तो मेरा बेस केस क्या बनने वाला है, जब मैं लास्ट एलिमेंट पे आऊँगा, यानी कि जब आपका इंडेक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा, जब मैं इस तरफ से ऐसे ट्रैवर्स कर रहा हूँ, मेरा लास्ट एलिमेंट कौन सा होगा, मेरा लास्ट एलिमेंट ये होगा। एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, लेट से कि आपके पास यहाँ पर ऐसे ये वेट का एरे पड़ा हुआ है और ये आपका वैल्यू का एरे पड़ा हुआ है, तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पर चार एलिमेंट हैं जी, यहाँ पर चार एलिमेंट हैं। एग्जाम्पल अगर मुझे आपको दिखाना हो, ये है 1, 2, 4, 5 और ये है 5, 4, 8, 6, ये है जी आपकी जीरोथ आइटम, ये है आपकी फर्स्ट आइटम, ये है आपकी सेकंड आइटम और ये है आपकी थर्ड आइटम। तो मैंने क्या बोला, स्टार्टिंग जो है मैं इस इंडेक्स से कर रहा हूँ, इस एन माइनस वाले इंडेक्स से कर रहा हूँ, राइट। अगर एन एरे का साइज है तो एन माइनस वाला इंडेक्स होगा लास्ट वाले एलिमेंट का, राइट। तो इस प्रकार मैं इस एलिमेंट से शुरू करता हूँ और यहाँ पर मैं पूछता हूँ क्या इसको इंक्लूड करूँ या ना करूँ, इसको इंक्लूड करूँ एक्सक्लूड करूँ, फिर मैं यहाँ पर आता हूँ इंक्लूड करूँ एक्सक्लूड करूँ, यहाँ पर आता हूँ इंक्लूड करूँ एक्सक्लूड करूँ। जब मैं लास्ट वाले में आता हूँ यहाँ से मैं बेस केस बना सकता हूँ, कि भाई जब मेरा इंडेक्स जीरो हो गया, जब मेरा इंडेक्स है वो जीरो पे आ चुका है, तो चॉइस क्या है, क्या मैं इस वेट को ले सकता हूँ? इस वेट को मैं तभी ले पाऊंगा जब मेरे पास W में इतनी कैपेसिटी बची होगी। दोबारा सुनते हैं,
जब मेरा इंडेक्स यहाँ पर आ चुका है, जब मेरा इंडेक्स जो है यहाँ पर जीरो थ्री इंडेक्स पर आ चुका है, तो मैंने क्या बोला, मतलब इस वेट को ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता, क्या चांसेस हैं? इस वेट को मैं तभी ले पाऊंगा जब मेरे इस मैक्सिमम वेट के अंदर कैपेसिटी होगी, मेरे नैपसैक के अंदर कैपेसिटी होगी। तो मैंने एक कंडीशन लिखी कि यार इफ जो आपका ये वेट ऑफ जीरो है, अगर ये लेस देन इक्वल टू है आपके मैक्सिमम वेट से, या फिर बिग डब्ल्यू जो हमने आप लिखा हुआ है, तो इस केस में मैं इसको ले लूंगा। और अगर मैंने इसको इंक्लूड कर लिया तो मुझे क्या रिटर्न करना है, मुझे बेसिकली फर्क तो वैल्यू से पड़ता है ना, उसने मुझे मैक्सिमम वैल्यू बनाने के लिए बोला है, तो मैंने इस केस के अंदर रिटर्न कर दूंगा वैल्यू ऑफ जीरो। बट अगर नहीं ले पाया तो, अगर नहीं ले पाया तो क्या रिटर्न करूंगा, जीरो, सिंपल। तो ये मेरा बेस केस बन गया। मैंने बोला अगर अगर मेरा वेट ऑफ जीरो, अगर मेरा वेट ऑफ जीरो इज लेस देन इक्वल टू है मेरे मैक्सिमम वेट के, मेरे मैक्सिमम वेट के, तो इस केस में क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा मैं, क्या रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा मैं लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम वेट, रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न क्या करूंगा, वैल्यू ऑफ जीरो, बहुत बढ़िया, और एल्स केस में रिटर्न जीरो। तो ये मेरा बेस केस बन गया, ये मेरा बेस केस बन गया। ये मैं राइट से लेफ्ट की तरफ आता हूँ, बेस केस क्या बन सकता है कि लास्ट एलिमेंट पर जब मैं खड़ा हूँ, यानी जीरो जीरो इंडेक्स पर जब मैं खड़ा हूँ, तो यहाँ मुझे, मैंने पूछा क्या मैं इस एलिमेंट को इंक्लूड करूँ या ना करूँ, उसने मुझे बोला क्या तुम्हारे पास कैपेसिटी है, मैंने बोला हाँ, अगर कैपेसिटी है तो इंक्लूड कर लो, अगर नहीं है तो मत करो, सिंपल लॉजिक। अगर कैपेसिटी है तो इंक्लूड कर लो ना भाई, इंक्लूड करने से कोई नुकसान तो हो नहीं सकता, ऐसा तो हो नहीं सकता आपकी वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाएगी, ये सारी वैल्यूज तो पॉजिटिव होने वाली है ना, ये सारी वैल्यूज तो पॉजिटिव होने वाली है। तो अगर लास्ट एलिमेंट या सिंगल एलिमेंट पे मैं खड़ा हूँ, ध्यान समझते हैं, इसको और अच्छे समझाता हूँ मैं बेस केस के बारे में। मैंने बोला अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक ही आइटम होती, अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक ही आइटम होती तो क्या उसको इंक्लूड करते या नहीं करते? आप बोलोगे भैया इसकी वैल्यू तो पॉजिटिव ही होने वाली है तो इंक्लूड तो करना चाहिए, इंक्लूड तो करना चाहिए। बट इंक्लूड करने की भी एक कंडीशन है कि आपके बैग में कैपेसिटी तो हो। अब मान लो आपका बैग 5 किलो का है पर इसका वेट 10 किलो है, आप इंक्लूड नहीं कर पाओगे। तो जो बेस केस है हमने ये सोच के लिखा कि अगर एक ही आइटम प्रेजेंट है मेरे पास, ऑप्शन ही मुझे ये मिला कि मेरे पास एक आइटम पड़ी है चोरी करने के लिए, क्या मैं इसको चोरी करूँ या ना करूँ? अब इसको मैं तभी चोरी कर पाऊंगा जब मेरे बैग में कैपेसिटी होगी। तो वही मैंने बोला कि अगर मान लो मेरे पास सिर्फ सिंगल आइटम है, मैंने बोला इफ ओनली वन आइटम टू स्टील देन जस्ट कंपेयर इट्स वेट विद द नैपसैक कैपेसिटी। राइट, इस प्रकार मैंने बोला अगर तुम्हारे पास सिंगल ही चीज है चुराने के लिए तो कंपेयर करो उसको, कैपेसिटी में अगर है उसको डाला जा सकता है नैपसैक में तो रख लो, नहीं तो नहीं रख सकते तो जीरो रिटर्न कर देना, सिंपल सिंपल गेम। इसके अलावा बेस के उसके अलावा क्या करना है, बड़ा सिंपल है भैया। जिस आइटम पे मैं खड़ा हूँ, लेट से कि मैं इस आइटम पे खड़ा था स्टार्टिंग के अंदर, लेट से मैं इस आइटम में स्टार्टिंग खड़ा था, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इसको इंक्लूड करूंगा या तो मैं इसको एक्सक्लूड करूंगा। राइट, अगर मैं इसको इंक्लूड करता हूँ तो इंक्लूड मैं किस केस में कर सकता हूँ? भैया मैं इसको तब भी इंक्लूड कर सकता हूँ जब ये मेरी कैपेसिटी के अंदर हो, बिल्कुल सही बात है। तो मैंने बोला अगर इसका जो वेट है, किसका वेट, जिस पे इंडेक्स है, अगर लेस देन इक्वल टू मेरी कैपेसिटी है, इसको मैं डब्ल्यू कैपेसिटी लिखता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, कैपेसिटी। राइट, अगर लेस देन इक्वल टू कैपेसिटी है तो मैं इंक्लूड कर लूंगा। तो मैंने लिखा इंट इंक्लूड इज इक्वल्स टू सॉल्व, यहाँ मैंने पास कर दिया वेट वाला एरे, यहाँ मैंने पास कर दिया वैल्यू, यहाँ मैंने गलती करी है तो मैं लिख गई होगी इंक्लूड इंडेक्स जो है वो -1 कर दिया, और ये कैपेसिटी क्योंकि मैंने इंक्लूड कर लिया तो मेरी कैपेसिटी डिक्रीमेंट होगी। राइट, अगर मेरे थैले में 10 किलो की कैपेसिटी थी और मैंने 2 किलो की चीज़ इसमें डाल दी है तो मेरी कैपेसिटी कितनी बची भैया, 8, कैसे पता लगा, 10 - 2। तो उसी प्रकार मैंने लिखा कैपेसिटी माइनस वेट ऑफ इंडेक्स, इस प्रकार। तो मैंने अपडेट कर दिया। राइट, बट भैया यहाँ पे एक गड़बड़ है, आपने इसको यहीं पर ही डिक्लेयर करके इनिशियलाइज कर दिया, मैंने हाँ, तो इसको मुझे बाहर लिखना पड़ेगा, इसको मुझे बाहर लिखना पड़ेगा ऐसे, तो स्टार्टिंग में इनिशियलाइज कर दिया मैंने जीरो के साथ, कि स्टार्टिंग में तो कुछ पढ़ा ही नहीं, जीरो रख दिया। बट भैया इंक्लूड में तो आपने सिर्फ रिकर्सिव कॉल मार दी, इस पर तो आपने आगे के लिए रिकर्सिव कॉल मार दी ना, जिस एलिमेंट पे अभी खड़े थे उसको इंक्लूड तो किया नहीं। मैंने बोला बिल्कुल सही है, तो मैं किस एलिमेंट पे खड़ा था, भैया मैं इंडेक्स वाले एलिमेंट पे खड़ा था, उसको इंक्लूड कर लो। तो आपने बोला वैल्यू ऑफ इंडेक्स, तो इस प्रकार आपने उसको इंक्लूड कर लिया। तो इंक्लूड वाली कॉल क्या कहती है कि जिस एलिमेंट पे खड़े हो उसको इंक्लूड कर लो। राइट, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि अगर आई इसके ऊपर था, अगर आई इसके ऊपर था तो आपने इसको इंक्लूड कर लिया था, देखा इंक्लूड कर लिया था, और आगे के लिए रिकर्सिव कॉल मार दी थी। राइट, आपने क्या किया, अगर आई इसके ऊपर था तो आपने इसको इंक्लूड कर लिया, ये देखो इंक्लूड हो गया, और आगे के लिए रिकर्सिव कॉल मार दी, देखो आई यहाँ पे था, आगे बढ़ाया, यहाँ पे कर दिया और कॉल कर दिया, वही सेम चीज़ करी,
इंक्लूड के लिए मैंने क्या किया, करंट वैल्यू को यहाँ पे एड अप करा दिया और आगे के लिए रिकर्सिव कॉल मार दी, बहुत बढ़िया। एक्सक्लूड के लिए क्या करेंगे भैया, एक्सक्लूड के लिए क्या करेंगे, मतलब एक्सक्लूड का सिंपल है ना यार, जो जहाँ पे अभी खड़े हो उसको नहीं लेना है, जिस भी आई जहाँ पर अभी पॉइंट कर रहा है, लेट से आई अभी यहाँ पर पॉइंट कर रहा होता तो मुझे इसको नहीं लेना है, इसको नहीं लेना तो कुछ भी नहीं लेना। तुम चाहो तो अपने दिमाग के लिए लिख दो कि जीरो के साथ ऐड कर रहा हूँ मैं, ठीक है, कुछ करने की नीड नहीं है वैसे। और आगे के लिए कॉल मार दो, आगे के लिए कॉल मार दो, तुमने बोला सॉल्व और यहाँ पास कर दिया वेट और यहाँ पास कर दिया वैल्यू, आगे के लिए मतलब इंडेक्स माइनस वन कर दिया। और कैपेसिटी में कोई चेंज होगा, आपने कुछ भी इंक्लूड नहीं किया है, एक्सक्लूड किया है, कि मेरे पास ऑप्शन था इसको लूँ करा लूँ, मैंने बोला नहीं ले रहा, तो क्या मेरी कैपेसिटी फर्क पड़ेगा, नहीं, कैपेसिटी रिमेन सेम, कैपेसिटी रिमेन सेम, कैपेसिटी बढ़ गई, ठीक है। अब मुझे करना है, एक आंसर मेरा इंक्लूड वाला बन गया होगा, एक आंसर मेरा एक्सक्लूड वाला बन गया होगा, दो केस है मेरे पास, ठीक है। एक आंसर आपका टोटल जो है यहाँ से आया होगा और एक आंसर आपका टोटल यहाँ से आया होगा, मुझे कौन सा लेना है, मुझे मैक्सिमम वाला आंसर लेना है। तो मैंने क्या बोला कि इंट आंसर इज इक्वल टू मैक्स ऑफ एक्सक्लूड कॉमा इंक्लूड, ठीक है, और आपने इस आंसर को रिटर्न करवा दिया, आपने इस आंसर को रिटर्न करवा दिया इस प्रकार। मैंने बोला एक बार चला के देख लेते हैं, मैंने बोला एक बार चला के देख लेते हैं चल भी रहा है कि नहीं, तो हमने क्या बोला रिटर्न सॉल्व वेट वैल्यू इंडेक्स लास्ट वाला एन माइनस वन है, यहाँ पे गलती मत कर देना, मैक्स वेट, इसको हमने रन करके देखा एक बार कि चलेगा या नहीं, चेक करते हैं क्या हुआ, एक करेक्ट आंसर भागे, टाइम लिमिट एक्सीड, बिल्कुल एक्सपेक्टेड था, एक्सपेक्टेड सारी कर दो सोल्यूशन लिखा ना यार, ये बहुत टाइम खा जाएगा, तो एक्सपेक्टेड था टीएलई तो मारेगा, एक्सपेक्टेड था कि टीएलई तो मारेगा, राइट। तो इसको मुझे ऑप्टिमाइज करना है, इसको मुझे डीपी में कन्वर्ट करना है, राइट, इसको मुझे डीपी में कन्वर्ट करना है। अब तुम्हें करना है कि तुम्हारे पास एक रिकर्सिव सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, तुम्हारे पास एक रिकर्सिव सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, इसको तुमको डीपी में कन्वर्ट करना है। तो तुम पहले देख चुका है ना 1DDP के अंदर फॉर्मूला, मतलब क्या स्टेप्स होते हैं मेरे पास, इसमें लेट्स से मेमोराइजेशन में करना चाहता हूँ, सिंपल है, सिंपल है, राइट। स्टेप नंबर वन क्या पढ़ा था हमने, स्टेप नंबर वन भाई अपना डीपी वाला एरे क्रिएट कर लो, डीपी एरे क्रिएट कर लो, उसको इनिशियलाइज कर दो, ठीक है। स्टेप टू क्या था भैया, जहाँ भी रिकर्सिव कॉल हो रही है, रिकर्सिव कॉल जहाँ पर भी हो रही है, डीपी में आंसर स्टोर कराओ, डीपी में आंसर स्टोर कराओ और रिटर्न करा दो। फिर मैंने बोला वेरी गुड, याद है तुम्हें सब कुछ। और स्टेप थ्री क्या था, स्टेप थ्री ये था कि बेस केस के बाद जाओ और चेक कर लो अगर डीपी एरे के अंदर आंसर पड़ा है, इफ डीपी एरे कंटेन्स आंसर रिटर्न देन रिटर्न, अगर डीपी आर के अंदर आंसर पड़ा तो उसको रिटर्न कर दो। लिख देता हूँ एक बार, तो मैं समझ में आ जाएगा यहाँ से। तो हमने क्या किया, हमने अगला सॉल्यूशन लिखना है शुरू कर दिया, मैंने बोला इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ सेम कोड को, लिख दिया मेमोराइजेशन सॉल्व मेम, ठीक है, ये लिख दिया सॉल्व मेम, ठीक है, सॉल्व मेम, ठीक है। मैंने इसको कर दिया कमेंट और मैंने बोला आगे लिखते हैं, तो मैंने बोला एक डीपी आर मुझे बनाना है, तो मैंने बोला एक डीपी आर बनाना है, चलो बनाते हैं, वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट डीपी, कितनी रो, मैंने बोला एन रोज, ठीक है, और कितने कॉलम्स, मैंने बोला कॉलम्स जो हैं आप बना दीजिए जितना भी आपका मैक्स वेट है प्लस वन, राइट, मैक्स वेट प्लस वन। तो इस प्रकार आपने अपना डीपी वाला एरे क्रिएट कर लिया और आपने बोला कि इसको इनिशियलाइज कर देना माइनस वन के साथ, ठीक है। तो सारी की सारी चीज़ें स्टार्टिंग में माइनस वन से इनिशियलाइज की हुई है, क्यों माइनस वन से इनिशियलाइज की है आपको ये स्टेप नंबर थ्री में पता लग जाएगा, जो स्टेप नंबर थ्री हमने यहाँ पर लिखा हुआ है इससे पता लग जाएगा अभी, ठीक है। हमने क्रिएट कर लिया और हमने अब फंक्शन कॉल कर दिया सॉल्व मैम, हमने बोला क्या है इसके अंदर, एक तो वेट पास करो, एक तो वैल्यू पास करो, एक तो एन माइनस वन पास करना और मैक्स वेट पास कर दो और डीपी वाला एरे पास कर दो, बहुत बढ़िया। यहाँ पर भी अपडेट कर दो डीपी वाला एरे पास करना है, यहाँ पर भी अपडेट कर दो डीपी वाला एरे पास करना है, बहुत बढ़िया, और यहाँ पर भी डीपी वाला एरे पास करना है, यहाँ पर भी अपडेट करो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होंगी। अब आपने क्या किया, स्टेप नंबर वन तो आपने कंप्लीट कर लिया, जहाँ पे आपने डीपी आर क्रिएट कर दिया एन रोज और मैक्स वेट प्लस वन कॉलम्स का, राइट। इसका सेकंड स्टेप क्या था, सेकंड स्टेप था भैया जहाँ जहाँ डीपी जहाँ जहाँ आंसर कैलकुलेट हो रहा है उसको उस डीपी में स्टोर कराओ, रिटर्न करो, तो आंसर यहाँ पे कैलकुलेट हो गया, राइट। तो आपने इसको डीपी में स्टोर करा लिया, आपने लिखा डीपी के अंदर कहाँ पर किसमें, मैंने बोला इंडेक्स के अंदर और कैपेसिटी के अंदर, इंडेक्स के अंदर और कैपेसिटी के अंदर, राइट, कैपेसिटी, और इसको हमने आंसर स्टोर करा लिया, रिटर्न कराते हैं। भैया एक चीज़ नहीं बताई आपने, मैंने बोला क्या, आपने ये नहीं बताया कि पता कैसे लगा 2DDP है, आपने ये 2-dimensional array बना दिया, ये कैसे बनाया, वाई कैसे पता लगा, मैंने बोला ध्यान से देखो जो तुमने रिकर्जन लिखा है ना उसमें किस किस वेरिएबल की स्टेट चेंज हो रही है, ध्यान से देखो
जो रिकर्सिव सॉल्यूशन हमने यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें किस किस पैरामीटर की वैल्यू चेंज हो रही है, क्या वेट वाले पैरामीटर की वैल्यू चेंज हो रही है, ये देखो वेट है, यहाँ भी वेट ही भेजा है, यहाँ भी वेट ही भेजा है, और बीच में वेट को कहीं पर अपडेट भी नहीं किया, ठीक है। तो यानी वेट वाला जो आपका पैरामीटर है इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, राइट। सेकंड, क्या वैल्यू वाले की वैल्यू, क्या वैल्यू वाले पैरामीटर में कोई चेंजेस हो रहे हैं, मैंने बोला यार यहाँ वैल्यू का वैल्यू सेंड कर दिया, वैल्यू सेंड कर दिया, और बीच में कहीं पर वैल्यू में कोई चेंज नहीं किया, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। क्या इंडेक्स की वैल्यू चेंज हो रही है, आपने बोला जी हाँ भैया देखो इंडेक्स माइनस वन हो गया, इंडेक्स माइनस वन हो गया, तो इंडेक्स वाले पैरामीटर की वैल्यू चेंज हो रही है, एक चेंज हो रहा है, ठीक है, एक पैरामीटर में चेंज हो रहा है। सेकंड, क्या कैपेसिटी चेंज हो रही है, हाँ भैया कैपेसिटी भी चेंज हो रही है, ठीक है, यहाँ पे भी चेंज होगी, देखो चेंज हुई है। तो इन शॉर्ट मुझे पता लगा कि इस रिकर्सिव कॉल के अंदर दो स्टेट्स की वैल्यू चेंज हो रही है, दो स्टेट्स की वैल्यू रिकर्सिव कॉल के बीच में चेंज हो रही है। तो जब दो स्टेट की वैल्यू चेंज हो रही है तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पर 2DDP मैं लगा सकता हूँ, यहाँ पर मैं 2DDP तभी लगा रहा हूँ, अगर सिर्फ एक स्टेट की वैल्यू चेंज हो रही होती तो मैं 1DDP लगा देता, जैसे हमने पुराने 7 क्वेश्चन के अंदर देखा, 7 क्वेश्चन के अंदर देखा। तो सेकंड स्टेप मैंने फुलफिल कर दिया, जहाँ मैंने आंसर को स्टोर कराया डीपी के अंदर और मैंने उसको रिटर्न कराया, ठीक है। अब थर्ड स्टेप कि बेस केस के बाद, यानी कि यहाँ पर सिंपल चेक करो क्या तुम्हारे डीपी इंडेक्स कैपेसिटी नॉट इक्वल टू -1, यहाँ -1 का यूज आ गया, ठीक है। अगर ये -1 के इक्वल नहीं, यानी यहाँ पे आंसर स्टोर हुआ पड़ा है, और अगर आंसर स्टोर हुआ तो उसको रिटर्न करा दो, डीपी ऑफ इंडेक्स कैपेसिटी हो गया, डन। सेम कोड है, छोटे मोटे चेंजेस किए, चला के देखते हैं चलता है क्या नहीं चलता। हमने रन किया इसको और ये चला, हमने इसको सबमिट किया एक बार और ये चल गया, वेरी गुड। तो इस प्रकार में रिकर्जन प्लस मेमोराइजेशन के द्वारा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। मैंने बोला अभी बहुत कुछ है, रुको और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमने पहला स्टेप जो टॉप डाउन डीपी जिसे कहते हैं, जिसे टॉप डाउन डीपी कहते हैं, वो हमने सॉल्व कर लिया, हमें समझ में आ गया 2DDP कैसे पता लगा, जहाँ पे दो स्टेट्स के दो पैरामीटर्स की वैल्यू चेंज हो रही, तो हमने बोला कि 2DDP लगेगी यार, ठीक है, राइट। तो हमने ये सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास सेकंड एक और चीज़ है, बॉटम अप्रोच वाली, बॉटम अप अप्रोच, जिसे हम टैबुलेशन मेथड भी कहते हैं, तो फटाफट इसको इसके द्वारा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ये भी समझाते हैं क्या स्टेप्स हमारे पास। तो मैंने बोला मैं फटाफट ना इसी कोड को कॉपी कर लेता हूँ, इसी में चेंज कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया, इसका नाम चेंज करता हूँ सॉल्व टैबुलेशन, ठीक है। टैबुलेशन क्या करना होता है, मैंने बोला स्टेप नंबर वन अपना डीपी वाला एरे क्रिएट कर लो, ठीक है। तो फटाफट इसके अंदर हटा लेता हूँ मैं, ये आपको पास करने की नीड नहीं है, यहाँ पर पास करने की नीड नहीं है, यहाँ पर ऑलरेडी हम बनाएंगे, अभी इसको हटा ही देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। तो पहला स्टेप क्या है मेरे पास, स्टेप वन है मुझे डीपी वाला एरे क्रिएट करना है। मैंने बोला वेक्टर इंट डीपी, कितनी रोज, मैंने बोला एन रोज, और कितने कॉलम्स, मैंने बोला मैक्स वेट +1, और इनिशियलाइज कैसे करूँ, 0 से इनिशियलाइज कर दो। तो इस प्रकार आपने डीपी वाला एरे क्रिएट कर लिया। इसके बाद क्या करना होता है स्टेप टू के अंदर, मैंने बोला स्टेप टू तो बहुत आसान है, जिसमें आप एनालाइज करते हो बेस केस को और उसके द्वारा सॉल्व करने की कोशिश करते हो। तो ध्यान से अगर बेस केस को देखो, बेस केस कहता है अगर आपका इंडेक्स जीरो है, ओके, इंडेक्स क्या था मेरे इस डीपी वाले वेक्टर के अंदर, मेरी रो को दर्शाता है, ठीक है। तो मैंने बोला रो जीरो के लिए ये वाला लॉजिक लगा दो, तो मेरा सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टेप टू मेरा कहता है कि मुझे बेस केस को एनालाइज करना है, राइट। तो बेस केस को एनालाइज करने गया, मुझे क्या दिखा कि यार इंडेक्स इक्वल टू जीरो, और इंडेक्स कौन सा पैरामीटर है, इंडेक्स रो का इंडेक्स दर्शाता है, यानी कि अगर रो आपकी जीरो है तो जीरो थ्रो के लिए आपको ये लॉजिक लगाना है, ठीक है, जीरो थ्रो में कितने कॉलम है, मैंने बोला वो तो मैंने सेट कर रखा है ना कितने कॉलम्स है, तो उन कॉलम्स के हिसाब से चलना है। तो मैंने एक लूप चलाया, फॉर एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू, कहाँ स्टार्ट हो रहा है डब्ल्यू, आपका वेट ऑफ जीरो से स्टार्ट हो रहा है, राइट। और आपने क्या बोला, मैक्सिमम क्या है, ये कैपेसिटी तक, ठीक है। इस केस में क्या करना है, सिंपल जो लॉजिक ऊपर लिखा वही लगाना है यार, इफ द वेट ऑफ जीरो इज लेस देन कैपेसिटी, तो इस केस में करना है आपको जीरो थ्रो के डब्ल्यू कॉलम के अंदर आपने क्या डालना है, आपने वैल्यू ऑफ जीरो डालनी है, ओके। उसी प्रकार यहाँ पर आपने जीरो डाल देना है। तो ये हमने बेस केस को एनालाइज करके ये पूरा का पूरा यहाँ पर लिख दिया, वेरी गुड। एक सेकंड ध्यान से देखें तो कोड के अंदर हमने देखा कि हमने जीरो टोटल रोज कितनी है, हमने एन रोज सेट कर रखी है, टोटल कॉलम कितने बोले हमने, हम बोला टोटल कॉलम जो है वो मैक्स वेट +1 है। अब रोज एन है, यानी जीरो से लेके आप एन माइनस वन तक जाएंगे इंडेक्सेस के अंदर, जीरो वाला केस आपने ऑलरेडी यहाँ पर संभाल लिया, जीरो थ्रो वाला केस, तो बचा क्या, अब वन से लेके एन माइनस वन तक जाना है। तो फोर लूप जो आपका होगा वो कहाँ से लेगा,
इज इक्वल टू 1 से लेकर लेस देन तक चलेगा, बिल्कुल सही है। उसी प्रकार अगर इसको मैं देखूं तो कॉलम कहाँ से कहाँ तक चलेंगे भैया, 0 से लेके अगर ये मेरा साइज है तो मैक्सिमम तक जाएंगे, राइट। तो यानी कि आपका जो फोर लूप चलेगा वो चलेगा इज इक्वल टू 0 से लेके लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम तक, राइट। तो मैंने यहाँ पे दो लूप लिख दिए, तो मैंने यहाँ पे दो लूप लिख दिए बाकी सारे कैलकुलेशन करने के लिए। मतलब फॉर इंट इंडेक्स इज इक्वल टू 1, इंडेक्स इज लेस देन एन, इंडेक्स प्लस प्लस, इंडेक्स प्लस प्लस, हमने बोला एक और फॉर लूप चलाओ, फॉर इंट डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू कैपेसिटी, डब्ल्यू प्लस प्लस। अंदर क्या लॉजिक, मतलब जो लॉजिक ऊपर लिखा वही सेम लॉजिक लिखना भाई, ये उठा के ले आया फटाफट, आप इसे उठा के ले आए और इसको आपने यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया। इसमें छोटे मोटे चेंजेस करने हैं अभी कर देते हैं, छोटे मोटे चेंजेस करने हैं इसके अंदर अभी फटाफट कर देते हैं, ठीक है। हमने बोला इसके अंदर क्या चेंज करना है, पहली चीज इंक्लूड 0 है, बिल्कुल ठीक है। वेट ऑफ इंडेक्स इज लेस देन इक्वल टू कैपेसिटी, ओके यहाँ थोड़ी गड़बड़ है, यहाँ पे हमें ये वाला वेरिएबल यूज करना है डब्ल्यू वाला, तो हमने इसको डब्ल्यू कर दिया, ओके। हमने बोला इंक्लूड वैल्यू इंडेक्स, बिल्कुल ठीक है। सॉल्व मैम डीपी में कन्वर्ट करना है इसको, हमने बोला डीपी में कन्वर्ट कर दो इसको, ओके डीपी। और ये कैपेसिटी को हमने सेकंड पैरामीटर ले लिया, ठीक है। हमारा कैपेसिटी तो हो ही नहीं सकता, हम तो ये वाला वेरिएबल यूज कर रहे हैं अभी, ठीक है, ये हो गया ऐसे। अगली बार हमने बोला यहाँ पे भी डीपी में कन्वर्ट करना है, इसको भी डीपी लिखो, एक बार जो डीपी में कन्वर्ट कर देते हैं हम ऐसे टैबुलेशन के अंदर, राइट। इसका हमने ऐसे करके ये कन्वर्ट कर दिया भैया, डीपी में कैपेसिटी के जगह डब्ल्यू लिखना है क्योंकि वो वाला हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे भी सेम डब्ल्यू लिखना है, यहाँ भी सेम, ये तो हटा दो अभी, इसमें ये सही चल रहा है, रिटर्न स्टेटमेंट की नीड नहीं है यहाँ पे अभी, ठीक है। तो हमने इसको हटा दिया, ध्यान से देखो हमने इस पूरे पूरे कोड को कन्वर्ट कर दिया डीपी के अंदर और यहाँ पर अपना आंसर हम रिटर्न करवा रहे हैं, रिटर्न इंडेक्स नहीं, यहाँ पर आपका एन आया है, तो अगर एन मेरा रोज है तो आखिरी रो कौन सी होगी, एन माइनस वन वाली रो होगी, इस प्रकार आपने इसको रिटर्न करवा दिया। हमने इसको एक बार चला के देखा क्या सही चल भी रहा है कि नहीं, हमने इसको रन किया एक बार, करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर, हमने इसको सबमिट किया एक बार, करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो हमने देख लिया भैया टैबुलेशन वाले तरीके से किस प्रकार इसको सॉल्व किया जा सकता है, ये आसान था, कुछ खास मुश्किल नहीं। स्टेप्स क्या थे इसको सॉल्व करने के, स्टेप नंबर 1 था डीपी वाला एरे क्रिएट कर लो, स्टेप नंबर 2 था एनालाइज कर लो बेस के उसके द्वारा लिख लो, और स्टेप नंबर 3 क्या था, स्टेप नंबर 3 था टेक केयर ऑफ रिमेनिंग रिकर्सिव कॉल्स। तो बाकी रिकर्सिव कॉल में जो आपके दो स्टेट्स थी इंडेक्स और कैपेसिटी, ये कैसे चेंज हो रही थी, उनको आपने यहाँ पे रेप्लीकेट कर दिया, सारी स्टेट को बॉटम अप अप्रोच के द्वारा कैलकुलेट कर लिया, ये दो फॉर लूप्स का यूज करके, राइट। जैसे हम 1DDP में भी करते हैं सेम चीज, ठीक है। तो ये हमने कर लिया, बहुत बढ़िया। अब क्या बचा है, अब हमें स्पेस ऑप्टिमाइजेशन करनी है। मैं बोला अगर ध्यान से आप देखें स्पेस ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए, अगर आपको स्पेस ऑप्टिमाइजेशन करनी है तो आप ध्यान से एक चीज देखो, यहां पर आपका डीपी ऑफ आई जो है, आपको स्पेस ऑप्टिमाइजेशन करनी है तो आपको डिपेंडेंसी चेक करनी है तो आपके डीपी किसके ऊपर आ रही है। तो जब आप यहाँ पर डीपी कैलकुलेट कर रहे हो तो किस पर डिपेंड करता है, ये भैया इंक्लूड पे और एक्सक्लूड पर डिपेंड करता है, बिल्कुल सी बात है। इंक्लूड किस पर डिपेंड करता है भैया, डीपी ऑफ इंडेक्स माइनस वन कॉमा ये, ओके। तो क्या मैं कह सकता हूँ डीपी ऑफ इंडेक्स डिपेंड करता है डीपी ऑफ इंडेक्स माइनस वन पर, यानी कि जिस भी रो का आप आंसर निकाल रहे हो वो अपने से एक ऊपर वाली रो पर डिपेंड कर रही है, बिल्कुल ठीक है। अगर इस वाली स्टेटमेंट की बात करूं तब भी ये वाला डीपी ऑफ इंडेक्स माइनस वन पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो दोनों ही केस में इंक्लूड करूं एक्सक्लूड करूं, दोनों ही केस में मेरा डीपी ऑफ इंडेक्स माइनस वन पर डिपेंड कर रहा है, राइट। जैसे कि अगर अभी मैं ध्यान से देखो तो मेरा डीपी आर इस प्रकार कुछ बन रहा होगा, ठीक है, इस प्रकार को बहुत 2D आर ए से बना हुआ है। बट अगर मैं लॉजिक देखूँ ध्यान से, तो अगर मान लो मैं ये वाली रो कैलकुलेट कर रहा हूँ तो ये वाली रो सिर्फ इस वाली रो पर डिपेंडेंट है, राइट। उसी प्रकार अगर मान लो मैं सिर्फ ये वाली रो कैलकुलेट कर रहा हूँ तो ये रो सिर्फ इसी रो पर डिपेंडेंट है, इस पर डिपेंडेंट ही नहीं ऊपर वाले पार्ट पर, राइट। जैसे ये वाली रो कैलकुलेट कर रहा हूँ तो ये रो सिर्फ इस वाली रो पर डिपेंडेंट है, ऊपर वाले पार्ट पर डिपेंडेंट नहीं है, नीचे वाले पार्ट पर डिपेंडेंट नहीं है। तो हर रो को सिर्फ पिछली वाली रो चाहिए, तो मैं पूरा 2D array बनाई क्यों रहा हूँ, मैं दो ही रो बनाता हूँ ना, एक करंट रो जिस पे मैं बैठा हूँ और एक प्रीवियस रो जो मुझे चाहिए, दो ही रो से काम बन जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो हम दो रो बना रहे हैं फटाफट, ठीक है। मेरे कैमरे की 10 मिनट की लिमिट बची है, चेक करते हैं होता है कि नहीं हो पाता। तो हमने दो वैक्टर बना दिए यहाँ पे, 2D array बनाने की नीड ही नहीं थी यार, दो वैक्टर से हो जाएगा। हमने बोला वैक्टर ऑफ एंट और इसका हमने रख दिया नाम प्रीवियस, पहले वाला, और इसको कैसे इनिशियलाइज कर दिया हमने, इसको कैसे इनिशियलाइज कर दिया। सेम इसी प्रकार हमने एक और वेक्टर बना दिया, इसका नाम रख दिया करंट अभी वाला, और इसको हमने इनिशियलाइज कर दिया, इसकी नीड नहीं है आपको, इसकी कोई नीड नहीं है।
सेकंड स्टेप के अंदर अब ये क्या बना रखा है मैंने, यहाँ पे डीपी वाले को अपग्रेड कर रहा हूँ, यहाँ डीपी वाले को अपग्रेड कर रहा हूँ, डीपी वाले तो आ रही नहीं है ना, अब तो प्रीवियस और करंट है, इसके आधार पे कोड लिखो। तो हम लिखा कि इस आधार पे मैंने प्रीवियस वाले को अपडेट कर दिया, आपने इसको पूरे को प्रीवियस लिख दिया, बहुत बढ़िया। फिर आप नीचे गए, डीपी वाले तो आ रही नहीं है, डीपी ऑफ इंडेक्स माइनस वन यानी प्रीवियस वाले की बात कर रहा है, यहाँ पे भी डीपी ऑफ इंडेक्स माइनस वन यानी प्रीवियस वाले की बात कर रहा है, और डीपी ऑफ इंडेक्स यानी करंट वाले की बात कर रहा है, राइट। ये भी हो गया। और आपने जब ये एक पूरा लूप चला दिया तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखो, जब आपने ये वाला पूरा प्रीवियस कैलकुलेट कर लिया, ये आपके बेस केस एनालिसिस वाले पार्ट में हो गया हुआ, यानी इस वाले पार्ट में आपने प्रीवियस वाला कैलकुलेट कर लिया, फिर आप फर्स्ट रो से स्टार्ट कर रहे हो, यानी ये फर्स्ट रो से स्टार्ट कर रहे हो, तो आपने ये वाली रो को कैलकुलेट कर लिया और आपने इस प्रीवियस को यूटिलाइज कर लिया, राइट। बट जब आपका ये करंट शिफ्ट हो जाएगा इस रो के अंदर, जब करंट इस रो पे शिफ्ट हो जाएगा तो प्रीवियस को तो शिफ्ट होना पड़ेगा ना। जब आपने अभी तो चलो प्रीवियस ये था, आपने करंट ये कैलकुलेट कर लिया, आप फर्स्ट रो पे थे, बट आप सेकंड रो पे तो जाओगे कैलकुलेट करने, जब सेकंड रो पे जाओगे कैलकुलेट करने तो आपको फर्स्ट वाला एरे चाहिए होगा, डीपी ऑफ सेकंड रो कैलकुलेट करना है तो उसके लिए डीपी ऑफ फर्स्ट रो चाहिए होगा ना, तो मुझे प्रीवियस को भी आगे प्रोपागेट करना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए मैंने क्या लिखा, यहाँ पे लिख दिया इसके खत्म होने के बाद प्रीवियस इक्वल्स टू करंट, कॉपी कर दिया, राइट। और यहाँ पे डीपी ऑफ एन माइनस वन रिटर्न कर रहा हूँ, यानी वही प्रीवियस वाला रिटर्न कर रहा हूँ, तो प्रीवियस लिख दिया यहाँ पे। चलो अगर मैं अब इसको चला के देखूँ सॉल्व टैब को, तो क्या ये चलेगा, चेक करते हैं, करेक्ट आंसर सबमिट कर देखते हैं, करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार हमने इसको स्पेस ऑप्टिमाइज भी कर दिया, जहाँ पे ओ ऑफ एन स्क्वायर का या फिर ओ ऑफ एन मल्टीप्लाई मैक्स वेट का स्पेस ले रहा था, जहाँ पर पहले ही ओ ऑफ एन मल्टीप्लाई मैक्स वेट का स्पेस ले रहा था, अब यहाँ पर ओ ऑफ टू मल्टीप्लाई मैक्स वेट का स्पेस ले रहा है। बहुत अच्छी ऑप्टिमाइजेशन करी है, राइट। इसमें अगर ध्यान से देखें क्या और स्कोप है, कैन वी इम्प्रूव, क्या और इम्प्रूव कर सकते हैं यहाँ से, सवाल यह है क्या मैं इस कोड को और इम्प्रूव कर सकता हूँ। बिल्कुल कर सकते हैं मेरे दोस्त, मैं भी करूँगा। पहले मैं एक फुटेज कॉपी कर लूँ मेरे कैमरे की, लिमिट रीच हो गई। अगर हम ध्यान से देखें अभी हमारा कोड किस प्रकार चल रहा है, अभी हमारा कोड ऐसा चल रहा है कि यार मेरे पास ये एक प्रीवियस कह रहे हैं और मेरे पास ये एक करंट कह रहे हैं, ठीक है। तो मैंने बोला अभी मेरा कोड इस प्रकार है कि मेरे पास एक प्रीवियस वाला वेक्टर है और मेरे पास एक करंट वाला वेक्टर है, और इन आपस में डिपेंडेंसी किस प्रकार है, ऐसे यार कि इंक्लूड मैं ऐसे निकालता हूँ जिसे प्रीवियस सही होता है, एक्सक्लूड मैं ऐसे निकालता हूँ जिसे प्रीवियस सही होता है, और करंट मैं इंक्लूड और एक्सक्लूड का मैक्स निकाल लेता हूँ। अब सोचते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। ये आपका एक एरे है जी, ठीक है, ऐसा। ये आपका एक एरे है जी, ऐसा। आपका करंट वाला जो वेक्टर है, करंट वाला जो एरे है, वो डिपेंड कर रहा है आपके प्रीवियस वाले वेक्टर के ऊपर या प्रीवियस वाले एरे के ऊपर। बात बिल्कुल समझ में आती है ये वाली, ठीक है। क्या मैं इसको और ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ, कैन आई कन्वर्ट दिस इनटू ओनली वन एरे, क्या मैं सिर्फ एक वेक्टर के द्वारा इसको सॉल्व कर सकता हूँ। अगर आप ध्यान से देखें तो करंट किस पर डिपेंड करता है, करंट दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, करंट ऑफ डब्ल्यू दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, एक प्रीवियस ऑफ डब्ल्यू पर एक्सक्लूड वाले केस में यानी यहाँ पर, और एक प्रीवियस ऑफ w माइनस वेट इंडेक्स। क्या बात समझ में आती है, समझ आता है। लेट्स अगर मैं ये वाली वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो या तो ये यहाँ से कैलकुलेट होगी, या तो ऊपर वाले कॉलम में से आई होगी यानी इसमें से, या फिर ये W माइनस वेट यानी इस पीछे वाली रेंज में से कहीं से आपने कुछ निकाला होगा, ये इनमें से कहीं कुछ से निकाला होगा, राइट। आपको कोई राइट वाली वैल्यू की नीड नहीं पड़ी यहाँ पे, ना आपको इसकी ऊपर आनी वैल्यू की नीड पड़ी, ना आपको इसकी आगे की वैल्यू नीड पड़ी, तो इन तीन रेंजेस की आपको नीड नहीं पड़ी, आपको सिर्फ इस वाले पार्ट की नीड पड़ रही है इसको कैलकुलेट करने के लिए। ये मेरा ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है, यस और नो, है ना। तो मैंने बोला मेरा करंट जो है या तो इस पर डिपेंड करता है यानी ये वाला एलिमेंट, या तो इस पर डिपेंड करता है यानी ये वाली रेंज, यानी ये वाली रेंज, ना तो इसके आगे कहीं डिपेंडेंट करता, ना तो इसके यहाँ के डिपेंड करता, ना तो यहाँ के डिपेंड करता, ठीक है। अगर मैं ध्यान से सोचूं क्या मैं इसको सिंगल एरे में कर सकता हूँ, कि लेट्स से कि सिंगल ही एरे होता, एक बार ट्राई करते हैं सिंगल एरे में सोचने का। लेट्स से सिंगल ही एरे होता कि एक ही एरे करंट वाला, ठीक है, एक ही एरे करंट वाला, कि भैया ये मेरा करंट वाला एरे है, इसके अंदर मेरे पास ये वैल्यूज पड़ी हुई हैं, तो आपने स्टार्टिंग के अंदर करंट वाले में वैल्यूज सेट कर दी इसके आधार पर, ठीक है, कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद भैया हम क्या कर रहे हैं, हम कैलकुलेट कर रहे हैं
एक करंट को। तो लेट्स से अगर मुझे ये वाला करंट कैलकुलेट करना होता तो कैसे कैलकुलेट होता भैया? दो ऑप्शन थे, एक तो प्रीवियस वाला है, पर प्रीवियस वाला तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो यानी ये वाली कैलकुलेशन कैसे होगी? या तो यहाँ पे जो एलिमेंट ऑलरेडी पड़ा हुआ है मैं वही एलिमेंट रख दूंगा, या फिर पीछे कोई एलिमेंट था वो वाला एलिमेंट रख दूंगा। अच्छा क्या ये पॉसिबल है? ध्यान से देखो एक बार। लेट्स से आपने यहाँ तक, फिर भी यहाँ तक मान लो कि ये लॉजिक सही चल जाता है, हम बेसिकली बस ये कहना चाह रहे हैं कि एक्सक्लूड वाले केस के अंदर आपकी यहाँ की वैल्यू क्या हो जाएगी, करंट ऑफ W, और इंक्लूड वाले केस के अंदर आपकी यहाँ की वैल्यू क्या हो जाएगी, समथिंग प्लस करंट ऑफ W माइनस वेट ऑफ इंडेक्स, यानी कोई वैल्यू जहाँ पे एग्जिस्ट करती है। लेट्स से आपने मान लो, चलो यहाँ तक आपका सब कुछ सही चल भी गया, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने यहाँ पे चलाने की कुछ कोशिश की और यहाँ पर एक वैल्यू अपडेट कर दी। लेट्स से यहाँ पे पहले 3 पड़ा हुआ था, आपने यहाँ पे 7 डाल दिया, यहाँ 3 पड़ा हुआ था, यहाँ पे 7 डाल दिया। अब मान लो आप यहाँ पर कोई वैल्यू कैलकुलेट कराने गए हो और उसमें इंक्लूड वाला केस आ गया, इंक्लूड वाले केस के अंदर जो ये वाली वैल्यू है वो इस वैल्यू को दर्शाती है। अब इसको तो यहाँ पे 3 चाहिए था जो कि पुरानी वाली वैल्यू थी, बट आपने इसको अपडेट करके 7 कर दिया। तो आपने जब पुरानी वाली वैल्यू को यहाँ पे ओवरराइट कर दिया तो आपका आंसर डिग्रेड कर जाएगा, आपका आंसर पॉल्यूट हो जाएगा, आपका आंसर सही नहीं आने वाला है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार इसको मैं करके दिखाता हूँ आपको। लेट्स से मैंने बोला सिर्फ मेरे पास करंट ही है, तो मैंने सिर्फ करंट यूज़ कर लिया कि यहाँ करंट लिख देता हूँ, 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 और ये तो करंट है ही है, इसकी नीड नहीं है। अरे करंट को मैंने रिटर्न कर दिया, मैंने रन करके दिखाता हूँ, रॉन्ग आंसर आएगा, ठीक है। दोबारा समझाता हूँ क्या हुआ। मैंने बोला कि मान लो मित्र कि ये आपका करंट वाला एरे है, ठीक है। आपने पहले क्या बोला था, पहले वाले केस में क्या था कि आपका जो करंट ऑफ W था वो डिपेंड करता दो चीज़ों के ऊपर, पहला प्रीवियस ऑफ W पर, और सेकंड प्रीवियस ऑफ W माइनस वेट ऑफ इंडेक्स, इन चीज़ों के ऊपर। तो ये कौन सी वैल्यूज थी? लेट्स अगर मुझे ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ये वैल्यू डिपेंड कर सकती है या तो इस वाली वैल्यू पे या इस पूरी रेंज में किसी वैल्यू के ऊपर, राइट। तो ये वाली वैल्यू या तो इस निकलेगी या इस पूरी रेंज में किसी निकलेगी। ये वाला केस है एक्सक्लूड वाला और ये वाला केस है इंक्लूड वाला, राइट। अगर मैं इसको सिंगल एरे में करना चाहता हूँ, तो मुझे अगर ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी कि मुझे करंट ऑफ W कैलकुलेट करना है, तो किस पर डिपेंड करेगा? पुराने वाले केस है जहाँ प्रीवियस ऑफ W था, आपने करंट ऑफ W कर दिया, कि या तो ये डिपेंड करेगा करंट ऑफ W के ऊपर, यानी अपने ऊपर ही, जो पुरानी वैल्यू ऑलरेडी पड़ी हुई है ना। पुरानी वैल्यू कहाँ से पड़ी होगी भैया? अरे यहाँ देखो ना, ये जो बेस केस आपने एनालाइज किया था, इसके आधार पर एक वैल्यू पड़ी हुई है। और सेकंड केस क्या कहता है कि यार करंट ऑफ W माइनस वेट ऑफ इंडेक्स इस पर, ये क्या है? यानी मान लो कि आपको ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, और करंट ऑफ W क्या दर्शाता है, कि जो ऑलरेडी वैल्यू यहाँ पहले से पड़ी हुई है, राइट। लेट्स से यहाँ पे 3 पड़ा हुआ है, ठीक है, और ये क्या दर्शाता है कि इस पूरी रेंज में कहीं पर भी इस पर, मतलब क्या माइनस कर रहा है उस पर डिपेंड करता है वो, राइट। क्या माइनस कर रहा है उस पर डिपेंड करता है कौन सा वैल्यू, बट इस रेंज में होने वाला है वो जो भी आपको चाहिए। तो आपको अगर यहाँ पर कोई वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर करंट ऑफ W निकालना है, तो या तो वो इस 3 से निकलेगा, एक्जैक्टली आप 3 को ही कॉपी पेस्ट कर दोगे, या फिर इस रेंज में से कुछ निकाल के लाओगे, ठीक है। तो मैंने बोला अगर आप कैलकुलेट करने गए और आपको मान लो आंसर आ गया 7, तो आपने इस 3 को अपडेट करके यहाँ 7 डाल दिया होगा, बिल्कुल डाला होगा ना आपने मैक्स निकाला होगा कि यहाँ से जो ये वाला जो आंसर आया यहाँ से निकाल के, ये प्लस कोई वैल्यू, ये निकल के आ रहा 7, और ये आंसर जो है ये 3, इनका मैक्स क्या, इनका मैक्स है 7, तो आपने 7 से अपडेट कर दिया मान लो। अब मान लो आप यहाँ पर जाते हो और यहाँ से कैलकुलेट करने की कोशिश करते हो, यहाँ पे मान लो पहले से आपका 5 पड़ा हुआ है, राइट, इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हो, ठीक है। इसमें कैलकुलेट करते हुए जो ये वाला केस आता है जहां पे ये इस पूरी रेंज में किसी पर डिपेंड करेगा, मान लो गलती से ये इसी वैल्यू पर डिपेंड कर गया, तो क्या आंसर गलत आएगा? बिल्कुल, क्योंकि ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि यहां पर 3 पड़ा होगा, बट आपने 3 को अपडेट करके यहां पे 7 डाल दिया। तो जो वैल्यूज चाहिए हमें ऑलरेडी, उनको आपने ओवरराइट कर दिया है। दैट्स वाई अगर मैं लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्स करके ये लॉजिक लगाने की कोशिश करूंगा तो वो नहीं चलने वाला। तो ये नहीं चलने वाला। भाई आपने लेफ्ट टू राइट क्यों बोला जानबूझ के यहाँ पर? क्योंकि अगर मैं इसको राइट टू लेफ्ट ट्रैवर्स कर दूंगा तो ये चल जाएगा। दिखाता हूँ कैसे। लेट्स से जो सेकंड लूप था उसको छोटा सा चेंज कर दूं, इसको लिख दिया मैंने राइट टू लेफ्ट के लिए, यहाँ से कैपेसिटी स्टार्ट कर दिया, कैपेसिटी
और इसको कर दिया ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, इसको कर दिया माइनस माइनस। अब रन कोड करके देख लो, चल गया, सबमिट करके देख लो, चल गया। तो ये कैसे चल गया भैया, ये तो बहुत आसान था। ध्यान से देखो, हमने बोला लेट्स से, अगर मैं इसको राइट टू लेफ्ट आ रहा होता तो तब क्या होता, मैंने बोला कि इस बेस केस को जब हमने एनालाइज किया स्टेप टू जब हमने किया, तो यहाँ पर इनिशियल कुछ ना कुछ वैल्यूज आपने डाल दी होंगी, तो इनिशियली आपने कुछ ना कुछ वैल्यूज यहाँ पर डाल दी होंगी, ठीक है, बहुत अच्छे। और मैंने बोला कि मैं राइट टू लेफ्ट ट्रैवर्स कर रहा हूँ, अब जब मैं राइट टू लेफ्ट ट्रैवर्स कर रहा हूँ तो मुझे इसकी वैल्यू निकालने के लिए दो चीज़ों पर डिपेंडेंसी है, एक जो ऑलरेडी यहाँ पड़ा हुआ है, एक जो इस रेंज में कुछ पड़ा हुआ है। इस रेंज में कुछ भी मैंने अब तक चेंज नहीं किया, तो जो पड़ा होगा वही मुझे मिलेगा, और यहाँ पर जो ऑलरेडी पड़ा हुआ है उसको मैं एक्सेस कर ही सकता हूँ, तो यहाँ मेरा आंसर सही निकल सकता है, कोई डिस्क्रिपेंसी का चांस नहीं है, चांस नहीं है। अब लेट से मैंने इसको अपडेट कर दिया, सेवन आ गया यहाँ पे, पहले थ्री था, मैंने यहाँ सेवन कर दिया। अब अगर मैं इसको कैलकुलेट करने जाऊँगा, क्या इसकी डिपेंडेंसी कभी राइट वाले पार्ट पर थी? बिल्कुल नहीं थी, हमने डिस्कस किया था कि हमारे इस वैल्यू की डिपेंडेंसी कभी राइट वाले पार्ट पर थी ही नहीं। सो दैट्स वाई जब हम राइट से लेफ्ट की तरफ इसको सॉल्व करने निकलते हैं तो कोई डेटा इनकंसिस्टेंसी आती ही नहीं है, कोई डेटा इनकंसिस्टेंसी आती नहीं, अब सारा का सारा वैल्यू कैलकुलेट कर ले तो बिना किसी एरर के। तो इस प्रकार हमने चार सोल्यूशन देख लिए, पांच सोल्यूशन देख लिए, जहाँ पर हमने पहले देखा रिकर्सिव सोल्यूशन, जो हम पहले हमने जो सब सीक्वेंस वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था सेम उसी पैटर्न के द्वारा सॉल्व कर लिया। फिर हमने क्या किया, सिक्वेंस में प्लस कर दी मेमोराइजेशन प्लस कर दी, राइट। उसके बाद अगर हम ध्यान से देखें मेमोराइजेशन वाली गेम के बारे में कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगी, ध्यान से देखते हैं एक बार, ध्यान से देखते हैं। तो जो मेमोराइजेशन हम सॉल्व करने निकले, तो मेमोराइजेशन जब सॉल्व करने निकले, हमने क्या बोला, हमें दिख रहा है कि यार सेम वही आपकी एन मल्टीप्लाई कैपेसिटी जो आपका वर्स्ट केस में हो सकता है उतना आप यहाँ पर बेसिकली सॉल्व कर रहे हैं। तो एन मल्टीप्लाई कैपेसिटी ऑफ एन मल्टीप्लाई कैपेसिटी आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इस केस के अंदर, राइट। हमने ये वाला सोल्यूशन भी कर लिया, इसके बाद हमने टैबुलेशन वाला सोल्यूशन भी किया, सेम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन स्टार मैक्स वेट जो भी आपका था, राइट। उसके बाद हमने इसमें स्पेस ऑप्टिमाइजेशन जब करी, तो हमने इसको ओ ऑफ किस में कर दिया, स्पेस ऑप्टिमाइज, क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगी बताओ, अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे सॉल्व टैब के अंदर, तो कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगाई हमने, सेम भैया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो उतनी लग रही है, एन से लेके डब्ल्यू तक ही जा रहा है आपका, एन से लेके डब्ल्यू तक ही जा रहा है, हाँ बिल्कुल सही है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उतनी लग रही है, बट स्पेस मैंने ऑप्टिमाइज कर दिया ना, स्पेस मैंने ऑप्टिमाइज हो गया, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेरी यहाँ पर ऑफ टू मल्टीप्लाई मैक्स वेट आ रही थी, बिल्कुल सही है। इसको भी मैंने और ऑप्टिमाइज कर दिया लास्ट सॉल्यूशन में, इसको ऑफ सिर्फ डब्ल्यू कर दिया, खत्म। तो जो सॉल्यूशन ऑफ एन स्टार डब्ल्यू की कॉम्प्लेक्सिटी से शुरू किया था हमने, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, उसको हमने एडिट खत्म कर दिया ऑफ डब्ल्यू की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर, सॉरी, राइट। तो इस स्पेस से इस स्पेस पे आए हो, बहुत अच्छी बात है। जानबूझ के एग्जांपल लिए गए नैपसैक, क्योंकि मुझे बहुत आसान लगता है, और जब मैंने डीपी सबसे पहली बार पढ़ी थी, सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे सामने आया था वो नैपसैक ही था, और बहुत सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न यूटिलाइज करते हैं जिसके द्वारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आपका एग्जैक्ट मुझे नाम अगर देने हो तो क्वेश्चन के नाम है 01 नैपसैक जो हमने अभी सॉल्व किया, इक्वल सबसेट सम पार्टीशन, सबसेट सम, मिनिमम सबसेट सम डिफरेंस, काउंट ऑफ सबसेट सम, टारगेट सम। तो ये सारे सेम पैटर्न पर आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इन सारे के सारे क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, और सेम पैटर्न के द्वारा उसको सॉल्व किया जा सकता है। सेम पैटर्न का मतलब क्या भैया, जिस माइंडसेट का प्रयोग आप यहाँ पे कर रहे हैं, इंक्लूड एक्सक्लूड वाला, कि लूँ या ना लूँ, वही सेम लॉजिक वहाँ पर लगने वाला है, राइट। तो रिकरेंस जो वहाँ पर भी आप बनाएंगे, मिलता जुलता ही थोड़ा सा ऐसा ही बनने वाला है जैसे हमने यहाँ पर बनाया, राइट। तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया मेरे मित्र, और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। पहली चीज़ 2DDP कैसे पता लगी हमें, क्योंकि दो स्टेट चेंज होती है हमारे रिकर्सिव रिलेशन के अंदर, इंडेक्स और कैपेसिटी, तो हम पता लगे 2DDP करनी है, राइट। और डीपी में कन्वर्ट कैसे करते हैं, सिंपल भैया, तीन स्टेप होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है कि हम ये डीपी वाला एरे बना लेंगे, बहुत बढ़िया। सेकंड स्टेप क्या होता है कि जहां पर भी रिकर्जन था, यानी यहां पर रिकर्सिव कॉल थी, ये वाली रिकर्सिव कॉल, रिकर्सिव कॉल, इसके आंसर को स्टोर करा लेंगे। हमने यहां पर इसको स्टोर करा लिया, देखो ये स्टोर करा लिया, राइट, और आंसर को हम रिटर्न कराते हैं, सेकंड स्टेप ये हो गया। थर्ड स्टेप, जहाँ भी बेस केस खत्म हो रहा है, ये बेस केस खत्म हो रहा है, वहाँ पर मैं डीपी को चेक कर लूँगा कि उसके अंदर आंसर पड़ा है, अगर आंसर पड़ा तो रिटर्न करा दूँगा। तो यहाँ डीपी में चेक किया कि आंसर पड़ा है, अगर पड़ा है तो मैं रिटर्न करा दिया। अगर मुझे इस मेमोराइजेशन वाले कोड को कन्वर्ट करना है टैबुलेशन के अंदर, बॉटम अप अप्रोच के अंदर, तो कुछ भी नहीं करना होता। पहला स्टेप आपको डीपी वाला एरे क्रिएट करना होता है, ठीक है, वो तो हमने यहाँ पे सॉल्यूशन हटा दिया, तो ये दूसरा लिखा हुआ है, बट डीपी वाला एरे क्रिएट करना होता है। सेकंड स्टेप, बेस केस को एनालाइज करके उसका लॉजिक लिखना है, आपका जो डीपी है उसको इनिशियलाइज करना है बेस केस के आधार पर, और फिर जो केसेस बचे हुए हैं, फिर जो केसेस बचे हुए जैसे सिर्फ जीरो रो को हैंडल करता है, उसके अलावा आपकी बाकी सारी रोज बची हुई है, तो बाकी सारी रोज के लिए आपने दो फोर लूप लगा दिए, और उसमें आपने जो भी लॉजिक था आपका ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ, ये सारा का सारा लॉजिक उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया, सारा का सारा लॉजिक उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया, और चेंज क्या किया, जो भी मेरी रिकर्सिव कॉल थी उसको डीपी में कन्वर्ट कर दिया। बस सिंपल लिख दिया डीपी इंडेक्स माइनस वन और कैपेसिटी माइनस वेट इंडेक्स, यहाँ पर भी डीपी इंडेक्स माइनस वन और कैपेसिटी, बहुत बढ़िया।
कन्वर्ट कर दिया। फिर स्पेस ऑप्टिमाइजेशन में जब गए हमने चेक किया डीपी की डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, हमें पता लगा वहाँ पे डीपी की डिपेंडेंसी डीपी फॉर नेक्स्ट डिपेंडेंसी उसके प्रीवियस रो के ऊपर है, तो हर रो की डिपेंडेंसी उसके प्रीवियस रो के ऊपर है। तो मुझे पता लगा कि मुझे दो ही रो की नीड है बस, राइट। तो मैंने सिर्फ दो ही रो बना दी, एक तो प्रीवियस वाली और एक तो करंट वाली, ठीक है। उनको मैंने सॉल्व कर दिया सेम लॉजिक के साथ, ठीक है। जहाँ पर डीपी इंडेक्स लिखा था उसको करंट मान लिया, जहाँ पर डीपी इंडेक्स माइनस वन लिखा था उसको प्रीवियस मान लिया, इस प्रकार सॉल्व कर लिया। फिर मैंने सोचा क्या मैं इसको वन डी एरे से सिर्फ सिंगल एरे से सॉल्व कर सकता हूँ, और हमने इसको पकड़ के देखा कि लेफ्ट से राइट जब जाते हैं तो नहीं कर पाते क्योंकि हमने वैल्यूज को ओवरराइट कर दिया, तो वहाँ पर हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बट अगर मैं राइट टू लेफ्ट की तरफ आऊँ तो मैं इसको सॉल्व कर लूंगा। तो मैं राइट टू लेफ्ट आए, ये देखो राइट टू लेफ्ट आए, और हमने इसको एक ही एरे के साथ जिसका नाम है करंट, जिसका नाम है करंट, या फिर इसकी नीड नहीं है कोई भी, सिर्फ करंट वाले वेक्टर के आधार पर हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। जानबूझ के टाइम दिया गया क्योंकि पहला कॉन्सेप्ट था आपका 2D DP का, आपको अच्छे समझ में आना चाहिए। और मुझे बताना कैसा लगा, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से क्वेश्चंस के साथ। अगर आप देखना चाहते हैं कि हम कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो हमारे मेन चैनल के ऊपर डायनामिक प्रोग्रामिंग रोड मैप करके एक वीडियो आ चुकी है, उस वीडियो में आप देख सकते हैं हम आगे कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और जानबूझ के बनाई गई है वो रोड मैप वाली वीडियो, क्योंकि फिर कोई ये ना बोलते ना कॉपी कर ली मेरी सीरीज़ कॉपी कर ली, तो वो पहली बना दी कि देख लो भाई हम क्या पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि किसी क्वेश्चन के ऊपर किसी का कॉपीराइट नहीं होता ना भाई। कॉइन चेंज अगर किसी ने पढ़ाया तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा बंदा नहीं पढ़ाएगा, राइट। धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।